हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटनेस रॉकर्स डॉट कॉम। आजकल कीटो डाइट बहुत चर्चा में है, सो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे एंड समझेंगे कि कीटो या कीटोजेनिक डाइट, कीटोसिस, कीटोन्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ये काम कैसे करते हैं, क्या करते हैं। सो गेट रेडी फ्रेंड्स। कीटो डाइट के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें हमारी नॉर्मल डाइट के पैटर्न को जानना होगा। नॉर्मली में जब भी हम कोई भी कार्ब्स जैसे रोटी, चावल, ब्रेड एक्सेट्रा कंज्यूम करते हैं या फिर एक्स्ट्रा प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, तो लीवर उसे शुगर या ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देता है, जो कि एटीपी की क्रिएशन या ये कहें कि एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, जो कि डे टू डे एक्टिविटी के लिए जरूरी भी है। तो देखा जाए तो कार्ब्स हमारी बॉडी के लिए एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है, बट जब ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में एक्सेस में हो जाता है तो बढ़ा हुआ ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू लीवर एंड मसल्स में स्टोर हो जाता है। एंड अगर ग्लाइकोजन भी एक्सेस में हो जाए तो लिपोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू फैट में कन्वर्ट होके बॉडी में स्टोर हो जाता है, जिसके कारण हम मोटे भी हो जाते हैं। अब अगर कीटो डाइट की बात करें तो ये हमारी जनरल डाइट के टोटली उलट होती है। इसमें कार्ब्स करीब 5% या ये कहें कि नाम मात्र को ही रहता है। प्रोटीन मॉडरेट रहता है करीब 20-25% एंड फैट 70-80% रहता है। एंड हमारे डाइट का मेन पार्ट भी फैट ही बना रहता है। इस डाइट में कार्ब्स एंड प्रोटीन कम होने के कारण बॉडी में ग्लूकोज, जो कि एनर्जी का मेन सोर्स है, उसका लेवल कम हो जाता है। एंड इस सिचुएशन में ब्रेन सर्वाइवल के लिए बॉडी को कीटोसिस मोड में ले जाती है। कीटोसिस मोड में आते ही लीवर आपके कंज्यूम फैट या फिर बॉडी में स्टोर्ड फैट को ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन कर देता है, जिसे लीवर फर्दर बर्न करके कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस करता है। इन्हीं कीटोन्स को हमारी बॉडी एंड ब्रेन न्यू एनर्जी फ्यूल की तरह यूज करने लगती है, ना कि ग्लूकोज का वेट करती है। एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि हमारी बॉडी एंड ब्रेन कीटोन्स को एज एनर्जी सोर्स यूज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं एंड ग्लूकोज के मुकाबले कीटोन्स के साथ 70% ज्यादा एफिशिएंटली काम भी करते हैं। जब हमारा बॉडी मैकेनिज्म एनर्जी के लिए ग्लूकोज से कीटोन्स पे स्विच ओवर होता है, तो इस मेटाबॉलिक शिफ्ट के प्रोसेस को कीटोजेनेसिस कहा जाता है। बट ये प्रोसेस इतना आसानी से भी नहीं होता। इस प्रोसेस से बॉडी में न्यू एंजाइम्स भी क्रिएट होते हैं, जो ग्लूकोज की जगह कीटोन्स को एज न्यू एनर्जी सोर्स यूज करते हैं। एंड बॉडी में इन सब चेंजेस की वजह से कीटो फ्लू या ये कहें कि एक तरह की सिकनेस भी हो जाती है। इस दौरान कार्ब्स और शुगर की क्रेविंग होना, तेज भूख लगना, बेचैनी, हेडेक, वॉमिटिंग, पेट अपसेट रहना, थकान, दिमाग में उलझन रहना, ठीक से नींद ना आना जैसे इश्यूज सामने आ सकते हैं। बट ये सभी इश्यूज मैक्सिमम एक वीक तक ही चलते हैं, जिसमें पहले 2-3 दिन काफी परेशानी वाले हो सकते हैं। प्रिकॉशंस के तौर पर खूब सारा पानी पिए। कीटोजेनेसिस के दौरान बॉडी में रिटेन्ड वाटर रिलीज होता है एंड साथ ही इलेक्ट्रोलाइट्स भी। सो सोडियम, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम का खास ध्यान दें। कोई अच्छा मल्टीविटामिन डाइट में जरूर ऐड करें। कीटो डाइट फास्टेस्ट वेट लॉस के लिए परफेक्ट है एंड बहुत अच्छी डाइट भी मानी जाती है। इसे कम से कम 1 महीना एंड ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक ही करना रिकमेंडेड है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने कीटो डाइट के बेसिक्स के बारे में जाना। आने वाली वीडियोस में जानेंगे कि आपके हिसाब से आपकी कीटो डाइट में कितना कार्ब, फैट एंड प्रोटीन रहेगा, इनसे कितनी कैलोरीज लेनी है, एंड ये भी जानेंगे कि कीटो डाइट में अक्सर लोग क्या गलती करते हैं। इसके अलावा कीटो डाइट से जुड़े मिथ्स के बारे में भी बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड विद अस। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो करना भी ना भूलें। हमारी साइट fitnessrockers.com को विजिट करें एंड लेट द फिटनेस रॉक।